हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज घटनासार का एक और टॉपिक राम मनोहर लोहिया, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग राम मनोहर लोहिया के बारे में जानते भी होंगे। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1934 में स्थापित जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थे उसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। इन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था और 1937 में कांग्रेस का विदेश विभाग जो था वो इन्हें संभालने के लिए दिया गया था। ठीक है, 1946 में गोवा को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुमूल्य योगदान निभाया और जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की। इनकी कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें, पहली पुस्तक है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी, विल टू द पावर एंड राइटिंग और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, तो ये इनकी कुछ किताबें हैं, कुछ अच्छी किताबों में से एक है, बाकी किताबें इन्होंने और भी लिखी हैं। तो ये है राम मनोहर लोहिया साहब, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, इनकी कुछ चीजें। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इस जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ लेगा, द सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इस तरीके की एक एक दो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।